हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा चरखी दादरी से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रखी है और लोगों से बात करके आपको ये बता रहा है कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में उनका मूड क्या है। और अब हमारे साथ इस यात्रा में चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी जुड़ चुके हैं, जो विधानसभा जीते थे निर्दलीय के तौर पर, लेकिन अब मन बदल गया। पहले जो साथ में थे उनसे नाता तोड़ के अब कांग्रेस के साथ हो गए। बहुत स्वागत सोमवीर जी हरियाणा न्यूज पर। मैंने आपके चैनल का और तमाम दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। फिर से विधानसभा के चुनाव हैं। पिछली बार जब चुनाव थे 2019 के, तो लोगों ने आपको निर्दलीय के तौर पर विधानसभा में भेजा, आपने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दे दिया, लगातार सरकार में बने रहे, उसके बाद किसानों के मामले पर समर्थन वापस लिया, फिर समर्थन दे दिया, फिर नाराजगी हो गई, अब फाइनली छोड़ छाड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी तैयारी कांग्रेस की टिकट पर ही ऐसा है? मैंने वैसे तो ज़्यादातर सरकार के खिलाफ पर रहा, डेढ़ दो साल का टाइम मिला उसमें दादरी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, और अब मैंने जो है ना कांग्रेस को भारी समर्थन दे रखा है, हमें तीनों निर्दलीय विधायकों ने दे रखे, तो अगर संगठन टिकट देगा तो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, आपने तीन निर्दलीय विधायकों ने आपके साथ सरकार से समर्थन वापस लेके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अभी क्या लगता है, विधानसभा का चुनाव है, ग्राउंड पे जब आप जा रहे हैं तो आपको ये लग रहा था कि बीजेपी से बस सब लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अब कांग्रेस की सरकार आना चाहती है इसलिए कांग्रेस पे ज्वाइन कर ले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हालात परिस्थिति पूरे देश की, हरियाणा ने पूरे देश की जो बीजेपी की जो पॉलिसी थी उसको लोगों ने नकार दिया, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आज पूरे देश में जो बीजेपी की पॉलिसी उसके खिलाफ माहौल है, और हरियाणा में भी अभी चारों स्टेटों में चुनाव होने जा रहा है, इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, हो जाएगा सुपड़ा साफ? अभी तो 50-50 हो गए ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि लोकसभा में हाफ हाफ हो गए, 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, और ये भी कहा था विधानसभा में साफ, तो मतलब विधानसभा में क्या जीरो मान के चल रहे हैं आप बीजेपी को? ऐसा है कि 100% भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बननी जा रही है, बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो ये कुमारी शैलजा भी सीएम बनने के लिए अलग अलग कैंपेन उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से चलाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कोई स्कोप है उनका सीएम बनने का, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही सरकार बनानी चाहिए? ऐसा है, वो तो हाईकमान ने फैसला करना है जिसको भी उचित समझे। लेकिन अभी आपने कहा ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, ऐसा है कि जिस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, पहले जो 10 साल रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हें के नेतृत्व में सरकार बने। हम चरखी दादरी में आज पहुंचे, बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला, और ग्राउंड पे जब हमने देखा बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहले सिविल अस्पताल की मैं बात करना चाहूंगी। एक्सरे का एक जो लाभ है, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज है एक अस्पताल में एक्सरे होना, भारी भीड़ लोगों की लगी हुई है एक्सरे रूम के बिल्कुल बाहर, कोई अंदर से जवाब देने वाला नहीं है, कोई बाहर आके बताने वाला नहीं है पेशेंट को कि आपके एक्सरे अभी हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, लोग खड़े हैं और खड़े ही हैं। ऐसा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है, वो व्यवस्था सरकार से बनी नहीं है, कहीं एंथीसिया का डॉक्टर नहीं है, कहीं एक्सरे वाले नहीं है, कहीं मशीन है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है वहाँ मशीन नहीं है, बुरा हाल है। इसके अंदर अभी मेडिकल कॉलेज की घोषणा पिछले दिनों पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी के तहत दादरी की भी घोषणा हुई है, मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, इसी समस्या समाधान तो जब बनेगा, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, सारा सिस्टम बिगड़ेगा। सारा सिस्टम आप कह रहे हैं बिगड़ा हुआ है, आपने सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया? 5 साल विधायक रहे, क्या काम करवा पाए आप चरखी दादरी के, और सरकार ने कितना सहयोग किया? ऐसा दादरी काम तो मैं बहुत ऐतिहासिक करवा गया, जो किसी से नहीं हो मैं काम करवा गया। अच्छा। यहाँ शिविर का, पीने का पानी का और बारिश का बहुत बड़ी समस्या थी, उन तीनों चीजों का परमानेंट समाधान कर दिया। लेकिन अभी भी पानी तो इकट्ठा हो ही जाता है, गंदगी भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बारिश का पानी इस पूरे शहर में कहीं आपको नजर नहीं आएगा, पानी बारिश का परमानेंट समाधान हो गया है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, गाँवों में 46 गाँवों में पीने का पानी, 46 गाँवों में जो बारिश का पानी बढ़ता था उसका समाधान, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं। संतुष्ट है बतौर विधायक, ठीक ठाक काम किया? ऐसा है कि कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, 24 घंटा आपने देखा होगा रोड को पर मिलते हैं, चीला फोन उठाता हूँ तो हमने देखा। हम जब पहुंचे तो फाटक पे भी रुके और लोग कह रहे हैं कि जी इसको लेके बहुत भारी समस्या है, भीषण जाम लग जाता है, और इस तरफ अभी तक कोई काम हुआ नहीं, हालांकि लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ओवरब्रिज बने या कुछ ऐसी सहूलियत हो जिससे जाम से निजात मिले, लेकिन चरखी दादरी के लोगों को उस जाम से भी निजात मिलती दिखाई दे। ऐसा है कि उसका टेंडर हो चुका है, ओपन भी हो चुका है, 78 करोड़ 20 लाख में 4 लेन का पुल मंजूर हो गया है, 80 महीने के अंदर उसके अंदर काम शुरू हो जाएगा। बन कब जाएगा, मतलब अगली सरकार तक की बन पाएगा?
हाँ उस कम से कम नो मान के चलो साल भर का टाइम लगेगा, लेकिन ये काम पूरा हो जाएगा, अभी लोगों को उम्मीद है और ये करवा दिया। तो हम अगर चरखी दादरी की बात करें, अभी कौन से ऐसे काम रह गए जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे, अगली बार मौका देंगे तो ये मैं ये भी करवा दूंगा? एक तो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 203 एकड़ है, उसके अंदर इच्छा थी, हर बार मैंने विधानसभा में उठाया उसके अंदर कोई कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप हो उसका यूज होना चाहिए, लेकिन वो मनोला जी ने कराया नहीं, वो पेंडिंग है, इच्छा है। दूसरी बात, यहाँ जो है और भी नए सेक्टर डेवलप हों, नजदीक दिल्ली के नज़दीक होने के कारण यहाँ कोई इंडस्ट्रीज रोजगार के अवसर आपके अवसर पैदा हो, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं बनी है। ये मेरा सपना था कि मैं इसको साकार करूँ, कोशिश करूँ। तो अगली बार मौका मिलेगा तो कर पाएंगे? अगर भाइयों ने मौका दिया तो ईमानदारी के साथ, मैंने तो पहले भी अच्छा कांग्रेस से भी हम देख रहे हैं, आप कांग्रेस से भी टिकट की दावेदारी तो पेश कर ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान चाहेगा तो टिकट मिलेगी। बहुत सारे पोस्टर्स हमें पूरे चरखी दादरी में अलग अलग कांग्रेसी नेताओं के देखने को मिले, अगर सोमवीर सांगवान को टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी तो क्या फिर से निर्दलीय ताल ठोकेंगे? ऐसा है, संगठन जिसको भी टिकट देगा मैं उसकी मदद करूंगा, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पक्का श्योर है? बिल्कुल 100%। अभी हम देख रहे हैं राजनीति में, देखिए सीएम साहब हर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, ग्राउंड पर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा इससे कुछ? ऐसा है, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, जो मनोला जी के जो खड़े थे वो सैनी साहब से भरेंगे नहीं, ये सारे झूठी घोषणाएं लॉलीपॉप है, ये इलेक्शन में कौन मानेगा? एक महीने के अंदर 20 का टाइम है, शुरू तो कर दिया ना, हैप्पी कार्ड दे रहे हैं, कह रहे फ्री में बस में सफर कीजिए, वैसे ही बांटे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इसमें कोई बात मतलब नहीं करते, तो पहले 10 साल से सरकार थी कहाँ गए थे? कुछ नहीं है, प्योर झूठ, और सैनी साहब जो है ना कोशिश कर रहे हैं, जो मनोला जी ने खड़े खोदे थे वो भी नहीं भरेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं भरेंगे तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस का गेम पूरा खराब हो जाएगा चुनाव में, सवाल ही पैदा नहीं, लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी पॉलिसी को नकार दिया है, हरियाणा और नहीं चारों स्टेटों के अंदर आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जाति पाति का जहर खोल दिया, लेकिन झूठ बोलने का काम करते हैं वो लोग, कहते हैं सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी विनेश फोगाट को जिस तरीके से थोड़ा सा 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओलंपिक्स में, ऐसे में हुड्डा साहब ने कहा कि राज्यसभा के नंबर हमारे पास होते तो उनको राज्यसभा भेज देते। उसके बाद महावीर फोगाट का बयान आता है, अगर इतने ही खिलाड़ियों के हितैषी थे तो गीता बबीता को क्यों नहीं नौकरी दी गई, सरकारी देते थे तो उन्हीं की सरकार में तो मेडल जीत के लाई थी, तो राजनीति से प्रेरित नहीं है क्या? फिर नायब सिंह सैनी साहब भी हुड्डा साहब पर आक्रामक नजर आए इस मामले को लेकर, ऐसे नौकरी तो दी लेकिन वो DSP रैंक की मांग रहे थे, इंस्पेक्टर तो उन्होंने लगाया, लेकिन जहाँ तक विनेश फोगाट का मामला है, पदक लाओ पद पाओ की नीति भी तो लाए थे ना, तो DSP रैंक दिया जाना चाहिए था। ऐसा है कि एशियन गेम और ओलंपिक गेम की ज़्यादा वैल्यू है, जिस गेम में कॉमनवेल्थ गेम है वो अड़का टूर्नामेंट है, वो उन्हें मेडल लेके आए, अगर नहीं गोल्ड लेके आते में मेडल लाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, वैसे तो किसी चीज़ की हो, लेकिन एशिया और ओलंपिक के बजाय ये अड़का कंपटीशन माना जाता है। और जहाँ तक विनेश बहन का सवाल है कि इसके साथ जाति हुई है, आप कह रहे हैं ठीक है इस पर राजनीति हुई, लेकिन एक बहन और है जो आपके विरुद्ध चुनाव भी लड़ चुकी है पिछली बारी, उनके बारे में क्या ख्याल है, अभी फिर से चुनावी मैदान में अगर आती है, क्योंकि उनके भी बहुत से पोस्टर्स मैंने देखे, बबीता फोगाट कितना टक्कर दे पाएंगी सोमवीर सांगवान? ऐसा है, पोस्टर तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई पोस्टर लगाए, लेकिन हार जीत का फैसला जनता के हाथ में, आज की तारीख में मैं नहीं समझता कि कहीं कोई कंपटीशन भी होगा। आपने जब समर्थन वापस लिया, किसानों का मुद्दा भी उसमें एक बड़ा मुद्दा रहा, अब किसानों को लेकर इतनी घोषणाएं कर दी, अभी आबियाना माफ कर रहे हैं, सारी फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी दे रहे हैं और अलग अलग तरीके की तमाम बातें हैं, आपको लग रहा है ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा इस सबसे? प्योर झूठ, 13 महीने तक MSP के लिए सारे किसान पूरे हरियाणा पंजाब बोर्डरों पर बैठे, जब कहाँ से लगे थे MSP देने वाले, ये प्योर झूठ है, ये लॉलीपॉप सारे बोट बटोरने का बहाना, कुछ नहीं होना जाना प्योर, लेकिन लोगों ने पता है आगे खाम का झूठ बोल रहे हैं, बात में दम नहीं है इनमें। NHM कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, कह रहे हैं सरकार को हमें पक्का करना चाहिए, 27 साल हो गए, कोई किसी को 25 साल हो गए, किसी को 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन कह रहे हैं ना ढंग की सैलरी मिल रही है ना पक्का कर रही है सरकार। ऐसा है, इस सरकार के अंदर घरबारी दरबारी व्यापारी कर्मचारी कोई भी हो, हर आदमी हर बहन और भाई दुखी है। अभी कांग्रेस की सरकार आपको आती दिख रही है, इसमें कोई शक थोड़ी है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ इतना प्यार और इतना लगाव हो गया? मतलब ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि चुनाव आते आते आपको लगेगा कि नहीं बीजेपी ज्यादा हावी है तो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, या फिर बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए आपने अपने दिल से बंद कर दिए? ऐसा है कि मैं कहाँ था सरकार के साथ, 1.5 साल कोरोना, 13 महीना किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन,
कर्मचारियों का आंदोलन, कौन से आंदोलन था जिसमें भागीदारी नहीं हो, मैं सरकार के साथ नहीं था। थोड़ा बहुत टाइम लगा, डेढ़ दो साल, वो भी लोगों की डिमांड थी बिदादरी का। ऐसा तो नहीं था मनोहर लाल जी को हटाया गया, नायब सैनी को बनाया गया, तो आपको उम्मीद जगी कि चलो अब तो कम से कम निर्दलियों का वो नंबर आएगा, अब जेजेपी को हटा दिया, निर्दलियों को कुछ दिया जाएगा, तब भी कुछ नहीं दिया, तो फिर आपने कहा बस अब तो चाहिए भी नहीं। ऐसा है, हम मिलने के लिए राजनीति नहीं आए, राजनीति का मकसद धन दौलत पद पाना नहीं है, राजनीति का मकसद है सेवा भाव और तपस्या का नाम राजनीति है। हम पिछले 30 साल से लग रहे हैं, हमारे पास वो पद थोड़ी था। अच्छा, तो सेवा भाव कांग्रेस में रहकर ही होगी, बीजेपी का कोई स्कोप नहीं? जब न बीजेपी में था न कांग्रेस में, जब भी लगे हुआ था मैं तो कर्मचारी था, उस टाइम भी सेवा भाव में था, मैं तो बचपन से हमारे खून में सेवा भाव है, सेवा भाव है, और विश्वास है कि एक बार फिर से जीतेंगे। वो जनता ने फैसला करना है, संगठन ने फैसला करना है, टिकट देंगे तो जनता का मन है, बगैर लाग लपेट के, बगैर भ्रष्टाचार है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, संतों की तरह जिंदगी जीने वाला हूँ। आपने देखा होगा कोई ड्राइवर कोई बॉडी गार्ड लग रहा है, 24 घंटा जनता इस शिविर में लगे रहते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास है, मैं दादरी की जनता की भावना पर खरा उतरूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सोमवीर सांगवान जी को विश्वास है पूरा कि हम फिर से जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, और पार्टी आला कमान चाहेगा तो टिकट भी देंगे। साफ तौर पे एक बड़ी घोषणा भी कर दी, भले ही टिकट ना दे पार्टी, उसके बाद जिसको भी टिकट मिलेगी उसका समर्थन किया जाएगा, उसके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीत के लिए आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी की, ना सिर्फ चरखी दादरी सीट से बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को लेकर भी हरियाणा में आश्वस्त नजर आ रहे हैं सोमवीर सांगवान।